तेरी मायावी शक्तियाँ और तेरे अपवित्र इरादे मेरी ममता और मेरी आस्था के आगे नहीं दिख पाए। तू कभी मेरे बच्चे पर अपना काला साया नहीं डाल सकती। भले ही तूने मुझे अपने घर में प्रवेश करने से रोक दिया श्री, लेकिन इस तबाही का क्या करेगी जो तेरी कोख में पल रही है? वो काली शक्तियों का बीज जो मेरी माँ ने बोया, उन्हें तो तू रोक ना पाई, उसी तरह मुझे भी तो रोक नहीं पाएगी श्री। तू देखना, तेरी माँ सफल हो गई क्योंकि उस वक्त मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तुझे कभी सफल नहीं होने दूंगी कंगना, कभी नहीं। ये तो वक्त बताएगा श्री, वो वक्त जो तेरे पास बहुत कम है, इसीलिए तैयार हो जा श्री, उस तबाही के लिए। श्री बिटिया, बिटिया, बिटिया कैसी है तू? ये क्या बिटिया, तेरे पैरों में तो छाले पड़ गए। घबराइए मत बापू, कंगना के अंश को अपने अंदर से निकालने के लिए मुझे इन अंगारों पर चलना मंजूर है। भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मैंने ये व्रत कार्य पूरा कर लिया है और कंगना के अंश को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया है। श्री बिटिया, ये बात तो मैं उसी वक्त समझ गया था जब गणपति बापा की खंडित मूर्ति फिर से एक बार अखंड हो गई। ओम गण गणपताय नमः। पर श्री बिटिया, अब भी इस घर से खतरा टला नहीं, तुझे अब और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। सावधान अब मुझे नहीं, उस कंगना को होना होगा बापू, क्योंकि अब भोलेनाथ जी के साथ साथ विघ्नहर्ता गणेश जी भी मेरे साथ हैं। चलिए बापू, हम विघ्नहर्ता को नमन कराते हैं। चलो बिटिया, चलो। पर छोटी बा, घर में खंडित प्रतिमा का होना भी तो ठीक नहीं है। अब खंडित प्रतिमा की पूजा होनी चाहिए या नहीं, ये सोचने वाली बात है ना। निकी, जो मूर्ति स्थापित हुई है उसे हम विसर्जन के पहले विदा भी तो नहीं कर सकते, तुम चलो भी। छोटी बा, ये प्रतिमा ठीक कैसे हो गई? कल तक तो यहाँ दरार थी, दरार कहाँ चली गई? ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। गणेश जी की माया वही जाने। शायद गणपति पप्पा हम सबको बताना चाहते हैं कि वो हमें देख सकते हैं, और वैसे भी हम सबको खुश होना चाहिए कि हमें गणपति पप्पा का ये चमत्कार देखने को मिला है। हाँ, हमें इसे उनका आशीर्वाद समझना चाहिए। बड़ी बा, चलिए आरती की तैयारी करते हैं। छोटी बा, चलो बेटा। माँ, मैं पिताजी को लेकर आया। जल्दी आना, चलो। श्री बिटिया, अपने परिवार को खुश देखकर अब तो तू खुश है ना? हाँ बापू, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डर इस बात का है कि ये खुशी कब तक रहेगी। इस बार तो मैंने कंगना के इरादों को असफल कर दिया, लेकिन अपनी माँ की मौत के बाद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटी है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने अगले कदम के बारे में सोच रही होगी। श्री बिटिया, अगर कंगना के पास तामसी शक्ति है तो तुम्हारे पास व्रत कार्य के अचूक बाण है। लेकिन बापू, अगला व्रत कार्य क्या है? बिटिया, संध्या आरती के पहले तुम्हें दुर्वांग को बुलाना होगा। तो उसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है बापू, मैं बाजार जाकर ले आऊंगी। ये दुर्वांग को लाना बहुत ही मुश्किल कार्य होगा तुम्हारे लिए। ये दुर्वांग को मोदक के आकार का होना चाहिए, उसमें चंदन की सुवास होनी चाहिए और सुबह की उसकी ताजगी की।
बेटी आज तक मैंने ऐसा ध्रुव अंकुर नहीं देखा। मैं ध्रुव अंकुर लाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। अगर उस कथा में कहीं उसका जिक्र है तो वो कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। मैं उसे जरूर ढूंढ लाऊंगी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये प्रसाद श्री कहाँ चली गई? आरती के लिए दुर्वांकुर लाने गई है। पर ऐसी हालत में उसे अकेले नहीं जाना चाहिए था, हरि को साथ ले जाती या किसी और को भेज देती। श्री किसी को क्यों भेजेगी, सबसे बड़ी भक्त जो है जो भी करेगी खुद ही करेगी। देखिए आरती दो भैया, दुर्वांकुर आइए। बहन जी आइए, क्या दूँ? अब मुझे दुर्वांकुर चाहिए। ये रखा, कितनी दूँ? ये नहीं, मुझे ऐसा दुर्वांकुर चाहिए जिसका आकार मोदक जैसा हो, जिसमें चंदन की खुशबू हो और जो बिल्कुल ताजा हो। कैसी बात करें, ऐसा दुर्वांकु कहीं नहीं मिल सकता। हाँ होता है, मैं जानती हूँ, आपके पास नहीं है क्या? मैं 20 साल से यहाँ फूल का दुकान लगा रहा हूँ, आज तक न देखा है न सुना है। ऐसा दुर्वांकु जो है भगवान गणपति के पास होगा, आप उन्हीं से क्यों नहीं मांग लेती? जाइए बहन जी जाइए। संध्या की आरती शुरू होने वाली है और श्री का अब तक कोई पता नहीं है। जब खुद भगवान को ही अपनी आरती के लिए इंतजार करना पड़ रहा है तो फिर हम क्या है? बस निकी, जब देखो श्री के पीछे पड़े रहना अच्छी बात नहीं है। और तुम भी ना सुमति बहन, क्या जरूरत थी श्री को अकेले भेजने की इस हालत में? तो हद ही हो गई है, घर के सभी लोग आरती के लिए आ गए हैं और एक श्री है जो अब तक नहीं आई। सूर्यास्त तो होने ही वाला है, श्री को आरती से पहले हर हाल में पहुंचना है। उसकी और इस परिवार की सलामती के लिए ये कार्य होना बहुत जरूरी है। पता नहीं उसे दुर्वांकुर मिला भी है या नहीं। गणपति, मंगल मूर्ति, आप तो विघ्न हरता है, मेरे भी विघ्न हर कर लीजिए। मुझे किसी भी कीमत पर वो दुर्वांकुर चाहिए, अपने बच्चे की सलामती के लिए मेरी मदद कीजिए भगवान। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज। अरे मदद कहाँ गायब हो गए? तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगति
से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे, जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता, जय देव जय देव। क्या ये दुर्वांकुर तुम मुझे दे सकते हो? ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम गजानन है। देखो गजानन, ये दुर्वांकुर मेरे लिए बहुत जरूरी है, तुम इसे मुझे दे दो, बदले में तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें दूंगी। पैसे नहीं चाहिए, भूख लगी है, मैं तुम्हें ये तभी दूंगा जब तुम मुझे अपने घर ले जाकर भर पेट खाना खिलाओगी और लड्डू भी। बहुत भूख लगी है? हाँ बहुत। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी और अपने घर ले जाकर तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगी। तेरी दुर्वांकुर तुम्हारा हुआ। जाने श्री कहाँ होंगे, भगवान करे वो ठीक हो। मां मैं श्री को ढूंढ के आता हूं। तुम, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आरती का समय हो गया है। मैं आरती के लिए ही दुर्वांकुर लाने गई थी, दरअसल मुझे मिल नहीं रहा था, बड़े मुश्किल से मिला है मुझे ये, इसीलिए आने में थोड़ी देर हो गई। वो तो ठीक है बेटा, पर ये बच्चा कौन है? मेरा नाम गजानन है। गजानन, मेरा नाम गजानन है। गजानन बड़ा प्यारा नाम है। अरे पर ये बच्चा कौन है, कहाँ रहता है, इसके माँ बाप कौन है, ये तो पूछ लो। ए लड़के, कौन हो और कहाँ से आए हो? ये सब बाद में, आरती का समय हो रहा है, पंडित जी आरती शुरू करते हैं। आओ बेटा। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
मैंने तो कहा था खाना खिलाओगी। दुर्वांकुर तो तुमने ले लिया, अब खाना खिलाओ। जरूर खिलाऊंगी। पहले बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। समझ गई, लगता है तुम्हें मिठाइयाँ बहुत पसंद है। ये, तब तक तुम ये खाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? बच्चा खाते हुए तो और भी प्यारा लगता है। ऐसे लगता है आज का प्रसाद इसी के लिए बना था और खुद भगवान गजानन हमारे घर भोग लगाने आए। सच का, ऐसा लगा मेरे लिए ही बना है। तुमने मुझे इतनी अच्छी तरह से खिलाया कि मैंने पेट भर के खा लिया। मैं भगवान से यही कहूंगा कि वो तुम्हारी मन की मुराद पूरी करे। अब सोच क्या रही हो? मन की इच्छा सिर्फ भगवान जी को बतानी चाहिए, तभी तो कान में कहने को कहा। अब जाओ कह के आओ उन्हें। हे विघ्नहर्ता, मेरे घर परिवार पर आने वाली हर विपत्ति का नाश करना और कंगना को मुक्ति दिलाकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर कर देना। इच्छा भगवान ने जरूर सुन ली होगी। अब इतनी पास जाकर कहोगी तो सुनना ही पड़ेगा ना। अब देखना, वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगी। अच्छा बेटा, ये बताओ तुम्हारे माँ बाप कौन है, कहाँ रहते हैं? वो मैं रेलगाड़ी में बैठकर जा रहा था उनके साथ। रास्ते में मोदक दिखे, खाने उतरा, रेलगाड़ी चली गई। हरी बेटा, जरा पुलिस को फोन लगा के इत्तला करो। तो जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि इसके माँ बाप कौन है, मुझे लगता है हमें इसे अपने पास ही रखना चाहिए। अच्छा हुआ तो यही आ गया, मेरा काम और भी आसान हो गया। अब मैं तुझे इस अग्नि में भस्म कर दूंगी। रंग बिरंगा लाल लाल क्या है? कोई फल है क्या? मैं उसे खा लूं? अरे पागल, तुझे ये फल नजर आ रहा है? इस अग्नि की एक भी चिंगारी तुझे छू के निकलेगी ना तो तू जल के राख हो जाएगा। और तुझे ये खाने की चीज नजर आ रही है? हाँ? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो ताकि मैं इसे ना खाऊं। ये फल ही है, मैं इसे खाऊंगा।